पहले तो पानी की निकासी होनी चाहिए, जो कि एकदम नहीं है। आज घुटना भर तक पानी लगा रहता है, गड्ढे में डूब के मर रहे हैं। IVTV देखता है इंडिया। पटना को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, और स्मार्ट सिटी का जो मतलब होता है वो आप सभी कहीं ना कहीं जानते होंगे। अभी हम पटना नगर निगम में मौजूद हैं, और नीचे में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लोग अपने अपने घर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो इनकी दुकानें आती है उनके लिए आए हुए हैं। और इन लोगों की क्या पीड़ा है, क्या कुछ परेशानी है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है एके सिन्हा जी। तो आप किसी का टैक्स जमा करने हैं? घर का टैक्स है। घर का टैक्स, कहाँ पे घर है आपका? पटेल नगर में। सरकार टैक्स किस लिए लेती है, नगर निगम टैक्स किस लिए लेती है? टैक्स लेती है ये सब सुविधा देने के लिए, पानी है, रोड है, कचरा है, सब सब सब। क्या इतनी सुविधाएं आपको मिलती है? इतना तो नहीं है, लेकिन सुविधा मिल रही है उतना नहीं है। मतलब जो इस टैक्स के अंदर है, जो चीजें मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? हाँ, मैंने आपको क्या क्या मिलना चाहिए बताइए। मिलना चाहिए रोड बढ़िया होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। जो कि रोड तो है लेकिन पानी नहीं है, पानी अपना अपना। और टैक्सेशन में वृद्धि हुई है कभी इधर हाल ही दिनों में? वृद्धि तो नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई। क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए? सबसे पहले तो पानी की निकासी होनी चाहिए, जो कि एकदम नहीं है। आज घुटना भर तक पानी लगा रहता है, तो आज लोग परेशान रहते हैं इसके चलते। और पानी सप्लाई का पोजीशन बहुत बुरा है नगर पालिका का, जो कि सप्लाई होना चाहिए पानी, पानी की निकासी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आप कूड़ा बोल के कुछ दिन पहले निकला था कि कूड़ा का पैसा जो है अपार्टमेंट एक जगह पैसा दिया जाएगा, और डोर टू डोर 30 रुपया मंथली जो है कूड़ा उठाया जाएगा, परंतु कोई भी कूड़ा वाला डोर टू डोर उठाने नहीं आता है। आज पैसा तो लेते हैं डोर टू डोर का, अपार्टमेंट में भी हर अपार्टमेंट का पैसा लेते हैं, परंतु कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता है। आज पटना की नगर पालिका की इतनी बुरी स्थिति है कि कह नहीं सकते हैं। टैक्स पर क्यों जमा करते हैं? टैक्स जमा करना जरूरी है, सरकार का कानून है, मजबूरी है हम लोग की। यदि नहीं करें, अभी घर पे वो काटने के लिए आया, बोले कूड़ा का क्या चीज ले रहे हो भाई, डोर टू डोर तुम्हारा थोड़े आता है पे। और हमने हिमांशु जी आपके जो नगर पालिका के कमिश्नर हैं उनसे भी बात की है, तो बोलता नहीं है ऐसा कुछ नहीं था। नगर निगम को सुधारना कोई नहीं चाह रहा, ऐसा आपको मानना है? हाँ, नगर निगम को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है? कहाँ कोई आ रहा है, आज इतने साल हो गए, अगले साल भी पानी आया था तो पूरा नगर राजेंद्र नगर ये सब पूरा इलाका डूब गया था। हाँ, यह हुआ कि अब फिर से ठीक होगा, कहाँ ठीक हुआ? हमारे नीतीश बाबू इंजीनियर हैं, परंतु कहाँ इंजीनियरिंग का बुद्धि लगा रहे हैं कि वो ठीक हो। देखिए तो ये पीड़ा आप क्षेत्रों पर देख सकते हैं, टैक्स जमा करने के लिए है, लेकिन ये पीड़ा से आप कहीं ना कहीं अवगत हो गए होंगे। क्या जो टैक्स जमा कर रहे हैं, जो आप लाइन में लगे हुए हैं, इतनी फैसिलिटी नगर निगम से मिल पा रही है आपको? अब सुविधाएं क्या मिल पा रही हैं तो सभी लोग जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई छिपा हुआ नहीं है। जो टैक्स हम जमा करते हैं, रोड के लिए जमा करते हैं, जल जमाव के लिए, जल निकासी के लिए जमा करते हैं, पानी के लिए जमा करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं हम लोग को प्रॉपर वे में कहाँ मिल पा रही हैं, मिलता ही नहीं है। जल का निकासी का वही हालत है, रोड जहाँ पर बना हुआ बढ़िया वहीं बना है, बाकी जगह इतने गड्ढे हैं। अभी भी आज जाइए तो कितना लोग गड्ढे में डूब के मर रहे हैं। हालात ये है कि टैक्स जमा करने आ पाए लगभग 900 रुपये जी, 900 रुपये जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कहाँ सुविधा मिल पा रही है, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं जयप्रकाश नगर का रहने वाला हूँ। आप जो टैक्स जमा करना है, कितना टैक्स है आपका, किसी का टैक्स जमा करना है? ये होल्डिंग ट्रस्ट का है भैया, होल्डिंग टैक्स मकान का। कितना जमा करेंगे? 1285 रुपया। सुविधाएं नगर निगम तरफ से जो मिली चाहिए वो मिलती है? नहीं, संतोषजनक ना, बस सीधे कागज में है, अब संतोषजनक नहीं है। क्या क्या मांगे आप लोगों की, क्या क्या चाहेंगे? रोड चाहिए, पानी चाहिए, पानी जल निकासी चाहिए, जो भी नगर निगम के अंतर्गत सुविधा तो कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी है। और मजबूरी में जो है सब पैसा, जब साहब एक साल पीछे से सब हम लोग को जमा करना पड़ा है, जब आपको कचरा का कभी मोहल्ला में आता है कभी नहीं आता, हम घोड़दौर और दिखा से आए हुए हैं, लेकिन मजबूरी हमारे साथ है। तो करीब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं सरकार, बस ठकोसला है खड़ी अपने लिए है, हम लोग के लिए जनता के लिए कुछ नहीं है। किसके लिए, बस सब नेता लोग के लिए, बड़का के लिए है, हम लोग के लिए कुछ नहीं। तोड़ी गई है, उसको बनाया गया अभी तक नहीं बनी है रोड, बस मजबूरी है, हम लोग रोड तोड़ तोड़ के छोड़ दिया गया उसको। आप किसी के टैक्स जमा करने हैं? मैं भी होल्डिंग टैक्स जमा करने आया हूँ, मकान का, दुकान का। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं फ्रेजर रोड में। कितना टैक्स है आपको टोटल सब मिला के? यहाँ है फैसिलिटी, लेकिन और जगह रूरल एरिया में कहीं भी फैसिलिटी नहीं है।
बाकी आपका क्या क्या मिलना चाहिए इसमें? उसमें फैसिलिटी खाली मिलती है रोड की, वो भी जल जमा वहाँ नहीं होता है? जल जमा वहाँ भी होता ही है। रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए, निकासी होनी चाहिए, जल की निकासी होनी चाहिए, चैम्बर खुले। इसके लिए क्या मांगे हैं सामने, कहीं कैमरे सामने बोलिए क्या क्या मांगे हैं? पानी बढ़िया से मतलब ये निकलना चाहिए, पानी आना चाहिए पूरा, उसके बाद कूड़ा उठना चाहिए, रोड बननी चाहिए, नगर निगम के थ्रू तो यही सब काम होगा ना। आप क्या किसी की जमा करने हैं? मकान टैक्स जमा करने हैं। आपका टैक्स 2400? नगर निगम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकारें कहती है नगर निगम को लेकर के, इसकी वो सुविधा मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या क्या मिलना चाहिए आपको इस टैक्स जमा करने का? निकासी हो, लैट्रिन बाथरूम की निकासी हो, रोड बना हो, ये सब के कारण। इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है या नौकरशाह की गलती है या वार्ड जो पार्षद होते हैं उनकी गलती है? सरकार की गलती है, वार्ड पार्षद की गलती है, वार्ड पार्षद वार्ड काउंसलर की गलती है। वार्ड काउंसलर आकर चेक ही नहीं करता कहीं भी कुछ भी। सबसे बड़ा तो वार्ड काउंसलर का मेयर का गलती है, ये तो सरकार की गलती, सरकार से ज्यादा तो मेयर को इसमें। ये तो आप ही लोग है ना, फिर चुनते तो चुनते चुनता आदमी बढ़िया के लिए ना, धोखा देता है, धोखा देता है, कुछ करता नहीं है, आकर के पूछता नहीं है, कभी आकर के पूछता है वार्ड काउंसलर की, हाँ आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो वार्ड काउंसलर की या मेयर की इसमें भूमिका होती है, सरकार की भूमिका तो ऊपर है। पहले तो जो डिप्यूट किए पहले उनको ना पूछना चाहिए, उसके बाद तो सरकार पूछेगी। आप किसी के अंकल जी टैक्स जमा करना है? होल्डिंग टैक्स। कितना होल्डिंग टैक्स आपका? मेरा तो अभी मतलब कम है, 600 कुछ था जो है ना। जितनी सुविधाएं नगर निगम देती है आपको? सुविधा जो चाहिए वो तो नहीं मिलती है, जो है जो जैसे पीने का वाटर सप्लाई होना चाहिए, नाला होना चाहिए, वो सब है नहीं। आपके वार्ड पार्षद इसमें गलती किसका मान, सरकारी अधिकारी का या वार्ड पार्षद का? वार्ड पार्षद का तो इन्फॉर्म है, ओवरऑल तो नगर निगम का ही मैंने गलती जो है ना। तो देखिए, ये जो लोग हैं ये अपना अपना होल्डिंग टैक्स, वो दुकान का हो या फिर मकान का हो, वो जमा करने आया है, और इनकी पीड़ा जो है वो आपने सुनी। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से राजधानी में बारिश होने के बाद जो जलजमाव देखने को मिलता है, आप जगह जगह देखेंगे जो जलजमाव देखने को मिलता है, और गंदगी ऐसा कचरा का उठाने का फैसिलिटी दिया गया है, लेकिन अभी भी राजधानी को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। कि लोगों की पीड़ा थी, लोग होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं लेकिन उसके बदले लोगों को उतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। पटना।